श्रीवल्लभाधीश की जय हो। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय हो। श्याम सुंदर श्री अम्बे महारानी की जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। गौरा महारानी की जय हो। श्री गणेश जी महाराज की जय हो। सरस्वती मात की जय हो। खेड़ापति सरकार की जय हो। कुबेरेश्वर महादेव की जय हो। भूतेश्वर महादेव की जय हो। संत सद्गुरुदेव गोमाता की जय हो। चिंता संतान हंतारो यत्पदानो ऋणवा स्वयनम तनीजचार्यानम प्रणमामि महा यदनुग्रतो जन्तुवा सर्वदुखातिगो भवे तमं सर्वदा वंदे श्रीमद्वल्लभनन्दनम अज्ञानतिमिराघास्य ज्ञानजयशलाकया चक्षुरनमीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदय शेषे लीलाचरपतिशयनं लक्ष्मीसहस्रलाम्बिः सर्वमानं कलानिधिं चतुर्भिश्व 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 त्रिभिस्तवा षड्जायते सो पञ्चदा हृदये नमः। भोले विश्वनाथ भगवान की जय हो। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। Thank you.
काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से अपन सभी को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं आप और हम जो भगवान शिव की पावन कथा को बाबा देव अधिदेव महादेव की कृपा से सागर जिले के इस पावन पटकुई में कैसरवाणी परिवार द्वारा ये पावन 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान देवादिदेव महादेव की ये पावन धरा सागर भूतेश्वर बाबा का यहाँ पावन सिद्ध मंदिर जिस भूमि पर भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा हुई और अपन सब बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए विराजमान हुए। मुख्य यजमान श्रीमती रामश्री श्याम बाबू जी केशरवानी, श्रीमती सरोज श्री राजेश जी केशरवानी, श्रीमती काजल जी श्री मोहन जी केशरवानी, श्रीमती शिल्पी जी श्री सोहन केशरवानी जी, श्रीमती स्वप्निल श्री अभिषेक अविनेश केशरवानी, श्रीमती शिवानी जी श्री आकाश जी केशरवानी एवं समस्त केशरवानी परिवार सागर द्वारा ये पावन शिव महापुराण की कथा का आयोजन सागर के इस पावन प्रांगण में श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जब तक शिव कृपा ना हो तब तक भगवान की अविरल भक्ति को पाने का मौका हमको मिल ही नहीं सकता। वो तो कहीं देवादिदेव महादेव की कृपा हुई है जिससे आप और हम सब बैठकर भगवान शिव की पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं। बहुत मुश्किल का है मानव का देह, मनुष्य का शरीर। और मानव देह प्राप्त करने के बाद भी बड़ा मुश्किल है भगवान का भजन करना। और यदि शिव कृपा से परमात्मा की कृपा से भोलेनाथ जी की दया से अगर मानव का शरीर मिलने के बाद अगर हम
भगवान की अविरल भक्ति शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं तो ये समझ लेना कहीं ना कहीं देवाधिदेव महादेव ने आपका हाथ पकड़ कर रखा जरूर है, कहीं शिव ने कृपा कर रखी। इस चिलचिलाती हुई धूप में गर्मी में आप अपना अपना घर छोड़कर परिवार छोड़कर 3 घंटे कथा में विराजमान हुए हैं और जो लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं ये ओम शिव महापुराण की कथा है। इससे पहले आपने शिव पंचायत त्रिपुंड भस्म रुद्राक्ष अनेक अनेक शिव महापुराण की कथाओं का स्मरण करा है। अभी इससे पहले हैदराबाद में नवग्रह शिव महापुराण की कथा को आपने श्रवण किया। अब जो मौका मिला है कथा सुनने का वो है भगवान देव अधिदेव महादेव की पावन ओम शिव महापुराण की कथा, जिसमें हमको ये ज्ञात करना है, हमको ये स्मरण आना चाहिए कि भगवान देव अधिदेव महादेव का जो पंचाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इन मंत्रों के बल में जो अग्रणता में ओम अक्षर है उस ओम अक्षर का बल क्यों इतना प्रबल है। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। शिव की कृपा से बाबा की कृपा से शंकर भगवान की करुणा से दया से उनकी उदारता से जो हम अविरल भक्ति की शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए बैठे हैं बाबा से ये निवेदन कर कर बैठना कि बाबा मैंने सुना है कि आपकी शिव महापुराण की कथा जो सुनता है आप बाबा 3 महीने में उसकी मनों की मनोरथ पूर्ण कर देते हो, ऐसी कृपा हम पर भी बनाना, ऐसी करुणा हम पर भी हो। कहीं शिव कृपा कहीं परमात्मा की दया कहीं उदारता होती है तब जाकर कहीं हम भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूब पाते हैं। तब जाकर हम कहीं भगवान का भजन स्मरण कीर्तन मंत्र जाप नाम जाप कर पाते हैं। और जैसे जैसे हम भगवान की भक्ति में डूबते चले जाते हैं जैसे जैसे हम परमात्मा के स्मरण में डूबते चले जाते हैं हमको जैसे परमात्मा की कथा में परमात्मा की भक्ति में परमात्मा के भजन में परमात्मा के स्मरण में समय का भान नहीं होता उसी तरह भगवान की अविरल भक्ति में भजन में कीर्तन में स्मरण में हमें अपने देह का भान नहीं होता। ये इतने सारे पत्र जो आप लोगों ने भेजे हैं कुछ पढ़े हैं कुछ अभी पढ़े नहीं हैं इन पत्रों में आप लोगों ने जो शिव भक्ति करी है जो भगवान शंकर का पशुपति व्रत करा है या शंकर भगवान का स्मरण करा है या शिव जी की भक्ति को धारण करा है
शंकर की अविरल भक्ति में जो आप डूबे हुए हो, उसका कुछ जीवन में आपको प्राप्त हुआ तो आपने उसमें पत्र के माध्यम से लिखकर भेजा है कि हमने अपनी जिंदगी में ये सुख का अनुभव किया है, हमने ये आनंद का अनुभव किया। भक्ति और मुक्ति ये दोनों एक अलग अलग प्रसंग है। थोड़ा सा दान करोगे, थोड़ा सा पुण्य करोगे, थोड़ा सा सत्कर्म करोगे, थोड़ा सा आप किसी के लिए समर्पण का भाव रखोगे तो मुक्ति तो मिल जाएगी। मुक्ति का कोई विशेष टेंशन या मुक्ति का कोई विशेष चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि मुक्ति तब हो जब उसके साथ में भक्ति का समावेश हो। और भक्ति का समावेश कब होगा? जब हम कहीं सत्संग करेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे। जैसे मेरे राम जी महाराज ने शबरी अम्बा को जो बताया है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग का। शबरी अम्बा को मेरे राम जी कहते हैं कि प्रथम भक्ति है संतों का संग करना, संतों के सानिध्य में सत्संग करना। और जब हम सत्संग में लीन होते चले जाते हैं, भजन में लीन होते चले जाते हैं, हम भगवान की अविरल भक्ति में लीन होते चले जाते हैं, हम सत्संग की ओर आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो परमात्मा की दृष्टि अपने आप अपने ऊपर पड़ने लगती है। पहले कथा में कहा था अगर धन होगा तो चोर की नजर जरूर होगी, सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर जरूर होगी, और अगर हृदय में शिव की भक्ति होगी तो शंकर जी की नजर जरूर होगी। पहले भी कथा में कहा है अगर हृदय में भक्ति का संचार है, अगर हृदय के भीतर भक्ति विराजमान है तो शिव की दृष्टि जरूर होगी, ये निश्चित है। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हर तो छटनी नामे कटी जावांगी, सतगुरु में तेरी पतंग, ओ भोले में तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी नामे कटी जावांगी, ओ भोले में तेरी पतंग। शिव की अविरल भक्ति की ओर हम चल। जिस शिव महापुराण को कथा को आप सुनने के लिए बैठे हो, यह पुराण कोई साधारण सा विषय नहीं। एक कान से सुनी, दूसरे कान से निकाल दी, बची कुची थी कपड़े में से झटकार दी। घर पहुंचे तो लोगों ने पूछा कथा में गई थी? हाँ। क्या लेकर आई? अरे वो जो लेना था वो तो वहीं छूट गया। जो भक्ति प्राप्त करना थी वो तो छूट गई। नवरात्रि का व्रत कौन कौन करता है? हाथ उठाओ जरा। सब करते हो? रख लो। नवरात्रि में जोत कौन कौन जलाता है? ठीक है, जो जोत जलाते हैं तो 9 दिन तक अगर देवी की जोत जलाकर रखना है तो उसके ऊपर हंडी रखना पड़ती कि नहीं रखना पड़ती? अरे बोलो तो जम के रखते हैं हंडी। क्यों रखते हैं हंडी को? क्योंकि अगर जोत के ऊपर कांच की हंडी या उसकी सेफ्टी के लिए, उसकी रक्षा के लिए हम व्यवस्था नहीं करेंगे तो हवा आएगी और जोत को ठंडा कर जाएगा। अगर अखंड जोत जलाना है तो उस पे हंडी रखना जरूरी है, बहुत जरूरी है।
अगर हंडी नहीं रखाएगी तो हवा का झोंका आएगा और वो जोत को ठंडा कर देगा, बुझा देगा, समाप्त कर देगा। उसी तरह जैसे अखंड जोत जलाते समय, 9 दिन की जोत जलाते समय हंडी रखना जरूरी है जिससे जोत जलती रहे, उसी तरह जब तक यह मनुष्य का देह है और इसके भीतर जब तक जोत जल रही है श्वास की, तब तक परमात्मा की कथा और शिव के मंदिर की हंडी रखना जरूरी है जिससे ये जोत अखंड जलती। इस जोत की अखंडता, इस जोत की अखंडता तब रहेगी जब तक ये भगवान के मंदिर नहीं जाता, ये जोत की अखंडता नहीं रह पाती। सनातन धर्म की अखंडता पूर्व में भी रही है। सनातन धर्म की अखंडता में धोती और चोटी, क्या क्या चीज जम के बोलो जरा, धोती और चोटी, सनातन धर्म की अखंडता को मजबूत करने के ये दो पहलू रहे हुए हैं जो सनातन धर्म की अखंडता को भी प्रबल करते, बलवान करते। भगवान की अविरल भक्ति को हमें जिस स्वरूप में ग्रहण करना है, भगवान को उसको पाने का एक तरीका, हर जो जन्म लिया मनुष्य है उसके लिए हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में वर्णन किया गया। यहां तक तुलसी बाबा ने भी रामचरितमानस में कह दिया, कलयुग केवल नाम आधार सुमर सुमर नर उतरई, जम के बोलो जरा, उतरई पारा। कलिकाल में नाम की आधारशिला है। तुलसीदास जी ने यह नहीं लिखा कि कलयुग केवल राम आधारा। तुलसीदास जी को मालूम था कलयुग आएगा तो कोई राम का भजन करेगा, कोई कृष्ण का भजन करेगा, कोई माधव का भजन करेगा, कोई देवी का भजन करेगा, कोई हनुमान का भजन करेगा, कोई शिव का भजन करेगा, जिसकी मर्जी पड़ेगी वो उसका भजन करेगा। इसलिए तुलसीदास जी ने यह नहीं लिखा कि कलयुग केवल राम आधारा। तुलसीदास जी ने तो लिखा कलयुग केवल नाम आधारा। तुम किसी का भी नाम लो पर नाम लेते समय तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा बल, दृष्टि, चित्त, ये सब एकाग्र चित्त होना चाहिए। जब तुम्हारा दिल, हृदय, मन, चित्त, वृत्ति, ये सब परमात्मा के चरणारविंद में जब एकाग्र चित्त हो जाएगी तो शिव महापुराण की कथा कहती है, राम कथा कहती है, फिर परमात्मा को मिलने में देरी नहीं होगी, भगवान मिल जाएंगे। भगवान को मिलने में देरी नहीं होगी। शिव महापुराण के प्रारंभ में देवराज ब्राह्मण का चरित्र आता है। एक ब्राह्मण देवराज और इस ब्राह्मण देवराज ने ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण कर्म कभी नहीं करा, ना कभी वेद पढ़ना, ना कभी शास्त्र पढ़ना, ना कभी भगवान का भजन करना, ना कभी कीर्तन करना, ना कभी मंत्र जाप करना, ना कभी स्मरण करना। बस एक काम करा इसने देवराज ने, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी कभी सत्कर्म नहीं करा, कभी ब्राह्मण कर्म नहीं करा, और ब्राह्मण कर्म ना कर कर केवल एक काम करा कि चोरी जरूर करी इसने, पर वो ब्राह्मण का कर्म नहीं है। ब्राह्मण का कर्म है शास्त्र पढ़ना, शास्त्र सुनाना। वैश्य का कर्म है धन एकत्रित करना। क्षत्रिय का कर्म है रक्षा करना। शूद्र का कर्म है सेवा करना। और कितना सुंदर कहा है
ध्यान देने वाला अगर जिंदगी के इन पहलुओं पर ध्यान दे दे तो जीवन की सार्थकता हो जाए। ये जो शिव महापुराण की जो पोथी रखी हुई है, इसके चार पाए हैं, इस चौकी के, इस पाटे के, इस चौरंग के। जिस पर भगवान की ये पोथी रखी है, ब्राह्मण जिसके ऊपर श्रीमद् भागवत रखते हैं, रामचरितमानस रखते हैं, शिव महापुराण रखते हैं, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, ब्रह्मवर्ता पुराण, जो भी पुराण ब्राह्मण अगर किसी पाटे पर रखता है तो उसकी चौकी पर रखता है। चौकी के चार पाए होते हैं। किस किस के घर में चौकी है? जिसके ऊपर आप भोजन रखते हो, पाटा, चौकी, जिसके ऊपर भगवान को विराजमान करते हो, जब पूजन करते हो सत्यनारायण भगवान की, तो चौकी के ऊपर रखते हो। चार पाए होते हैं। जिस पर पुराण रखी है, जिस पे परमात्मा रखा हुआ है, जिस पे भगवान हम रखते हैं, जिस पे हम भागवत, रामायण, गीता, शिव महापुराण, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, जिस पुराण को ब्राह्मण पढ़ता है उसको चार पाए की चौकी पर रखता है। ये चार पाए हैं कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चार पाए के, चार वर्ण के चार पाए हैं जिसके ऊपर ये शिव पुराण, ये रामायण, ये भागवत रखी हुई है। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक पाया भी अगर इसमें से टूट जाता है तो पुराण उस पर नहीं रखाती है, क्योंकि पुराण रखेंगे तो वो गिर जाएगी। उसी तरह हमारे सनातन धर्म के ये चार वर्ण, चार पहलू, चार सुख देने वाले हैं। एक ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। अगर ये चार वर्ण के चार पाए मजबूत हैं सनातन धर्म के, तो ये शास्त्र कहता है कि फिर सनातन धर्म कभी नहीं गिर सकता, वो अग्रण ही रह सकता, वो अग्रण ही रहेगा, उसको कोई गिरा नहीं सकता। देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शंकर भगवान के मंदिर में प्रवेश कर गया, क्योंकि उसके शरीर में ताप हो रहा था। महाराज, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। महाराज, जो सुकून नहीं पूरे संसार में, जो सुकून नहीं पूरे संसार में, वो सुकून मिलता है महादेव के दरबार में। बड़ी प्रेम से प्राप्त, बड़े आया। चोरी करने वाला देवराज अगर धन की चोरी कर कर लेकर जा रहा है, और उसके शरीर में अगर तपन हो रही है, उसके शरीर में अगर कुछ बेकार लग रहा है, उसके शरीर में ताप पड़ रहा है, उसके शरीर में बुखार आ रहा है, उसके शरीर में कष्ट है, तो देवराज अगर कहीं गया तो कितनी सारी जगह थी देवराज को छुपने के लिए, कहीं दूसरी जगह चले जाता। पर नहीं, अगर देवराज गया तो महादेव के चरणों में गया, शिव मंदिर में गया। और आपको भी पहले कथा में कहा, आज फिर कह रहा है, जीवन में अगर कष्ट हो, दुख हो, तकलीफ हो, शरीर में, परिवार में अगर कुछ भी समस्या है, तो सारी समस्या का हल एक लोटा जल। बस सारी समस्या का हल हो जाएगा। ना कोई बाबा जोगी के चक्कर में पड़ना है, ना कहीं झाड़ फूक के चक्कर में पड़ना है, ना कहीं बबोता भभूती के चक्कर में पड़ना है। अपने को तो एक के चक्कर में पड़ना है, जो संसार में अखंड ध्वनि रमा कर बैठा हुआ है। कौन है वो? देव, अधिदेव, महादेव। परिवार वाले भी आग लगाकर चले जाएंगे। जब मरोगे
शमशान में अकेला छोड़ के आग लगा के चले जाए, कौन आएगा रात को तुमसे बात करने के लिए? परिवार वालों से कह देना जब मैं मरूं तो मेरा हैंडसेट चिता पे धर देना, वा रखेगा कोई? कोई रखेगा? कितना सुंदर प्रसंग है महाराज जी। एक बच्चा अपनी दादी से पूछा, दादी ओ दादी, दादी बोली हाँ, और दादी रोती जाए रोती जाए रोती जाए रोती जाए, और दादी घर के लोग दादाजी के सारे कपड़े बाहर भटक रहे हैं, बेटा दादाजी चले गए। जिस पे मरे गादी भी फेंक दी, जिस कपड़े को पहन कर मरे वो कपड़ा भी फेंक दिया। तो पोता ने दादी से कहा, दादी दादा की सोने की चेन पड़ी है, वो भी तो फेंक दो, दादी सिर पे पल्लू रख के। कौन फेंके? अच्छा एक बात आपसे पूछें सागर वालों, हमने सुना है सागर के लोग जवाब बढ़िया शानदार तरीके से देते हैं। तो जितनी भी जीजियां बैठी, जीजी बोलते इधर जिज्जी बोलते है, तो हमको तो इधर की इतनी भाषा तो स्मरण नहीं है, पर जो भी भाषा है आपकी बड़ी सुंदर है। एक बात आपसे पूछना चाहेंगे, कुत्ता मरता है तो उसके ऊपर कफन नहीं डाला जाता, कपड़ा नहीं डाला जाता। पशु मरता है तो उसके ऊपर कपड़ा नहीं डाला जाता, उसके ऊपर वस्त्र नहीं डाला जाता मरने के बाद। हाथी मरा, शेर मरा, पक्षी मरा, पशु मरा, जानवर मरा, चींटी मरी, चीटा मरा, झिंगूर मरा, जलचर, थलचर, वायुचर, मछली आदि कादिक, मगर आदि जो भी मरते हैं, पशु पक्षी मरते हैं, तो उनके ऊपर कोई कपड़ा नहीं ढका जाता, उनके ऊपर उनको ढाकते नहीं हैं, वस्त्र नहीं डालते हैं। पर मनुष्य मरता है, मानव जब मरता है तो उसके तन को क्यों ढाका जाता है, उसके शरीर को क्यों ढाका? काय जी जी सही। तो एक पशु मरा, एक पक्षी मरा, एक जानवर मरा, एक जलचर थलचर वायुचर जीव मरा, उसके तन को नहीं ढका गया, वो पड़ा है, पड़ा हुआ, उसके तन को कोई ढकता नहीं है, वो पड़ा है जहां पड़ा हुआ है। पर अगर मानव अगर मरता है, मनुष्य यदि मरता है तो उसके तन को ढाक दिया जाता है। किस लिए? क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है, मनुष्य इतने अवगुण करता है, इतने पाप करता है, इतना झूठ प्रपंच छल कपट बेईमानी करता है कि मरने के बाद इसके तन पर कपड़ा इसलिए ढाका जाता है कि इसकी सारी बुराई ढक के चल जाए। पशु पक्षी जानवर जलचर थलचर ये झूठ नहीं बोलते, इनका भी एक नियम है, इनका भी एक उसूल है।
जानवर का भी एक नियम होता है, जानवर भी एक संकल्प में बंधा होता है। शेर से कोई कह दे कि तू घास खा, खाएगा? जम के बोलो जरा, नहीं खाएगा। हाथी से कोई कह दे, बकरी से कोई कह दे कि तुम मांस का भक्षण करो, करेगी? नहीं। जानवर का भी एक असूल होता है कि मांसाहारी मांस का ही भक्षण करता है, शाकाहारी शाकाहार का ही भक्षण करता है। पर जानवर का एक संकल्प और एक उसूल होता है कि वो अपने नियम से चलता है कि मैं मांसाहारी हूं तो मांस खाऊंगा, मैं शाकाहारी हूं तो शाकाहारी की वस्तु ही खाऊंगा। परंतु संसार में जन्म लेने वाला यह मनुष्य कोई संकल्प और इसका कोई उसूल नहीं होता। यह तो जहां कभी इसमें घुस जाता है कभी इसमें घुस जाता है। भोजन करते करते कभी मांसाहारी बन जाए और मांसाहार करते करते कब शाकाहारी बन जाए, इसका कोई उसूल नहीं है। समझ लेना कि जानवर भी अपने नियम से चलता है, पशु भी अपने नियम से चलता है, पक्षी भी अपने नियम से चलता है। पर नियम को अगर भंग करना जानता है तो केवल एक मनुष्य ही जानता है कि कब कौन से नियम को तोड़ना। और हम कहते हैं हम समझदार हैं, हम कहते हैं हम असुल प्रधान हैं, हम कहते हैं कि हमें एक प्रबलता है, हमें एक संकल्प की प्रबलता है, हम अपने नियम पर चले। माता के गर्भ से जन्म हुआ, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी माता के गर्भ से, दोनों मुष्टिकाएं बंद, गर्भ में उल्टे लटके हुए थे और प्रतिज्ञा कर रहे थे दोनों मुष्टिकाओं को बांध कर, माता के गर्भ से मुझे बाहर निकाल दो, मैं भजन करूंगा भजन करूंगा भजन करूंगा। जैसे ही माता के गर्भ से बाहर निकले, मैं भोजन करूंगा भोजन करूंगा भोजन करूंगा, भजन गायब हो गया, भोजन चालू हो गया। कितना बड़ा संकल्प लेकर हमारा जन्म हुआ था, कितने बड़े संकल्प के अनुकूल हमारा जन्म हुआ था कि हम मृत्यु लोक में आएंगे तो भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, स्मरण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, नाम जाप करेंगे। हम जन्म लेने के बाद में भगवान की भक्ति में डूबेंगे, पर हम डूबे कहाँ हैं? हम कहाँ डूबे? हम उस शिव भक्ति से दूर हैं, हम उस अविरल भक्ति से दूर हैं। महाराज एक तेरे ही भरोसे ओ भोले, तेरे ही भरोसे हम भगवान की भक्ति की अविरल भक्ति की एक आनंदता के साथ इस जीवन को सुखमय जिए। जानवर मरे तो उसके तन को नहीं ढकते, पर मनुष्य मरे तो उसके तन को ढका जाता है। केवल तन नहीं ढका जाता, क्यों ढकते हैं? उसका कारण है कि झूठ छल कपट प्रपंच बेईमानी सब इसके अंदर समाया हुआ है, इसलिए इसको ढकना जरूरी है, इसको ढकना जरूरी है। देवराज शिव मंदिर में गए, आप कहां जा रहे हैं? आप कहां बैठ रहे हैं? आप कहां पहुंच रहे हैं? इसमें आपको स्मरण होना चाहिए। मेरी माताओं, मेरे भाई, जो लोग भी इस पावन कथा को सुन रहे हैं, चाहे फेसबुक पर सुने, चाहे यूट्यूब पर सुने, चाहे इस पावन प्रांगण में सागर की इस पावन भूमि पर,
भेंट कर कथा करस्पान करें, उनसे निवेदन है कि आप कहां बैठ रहे हैं, किस जगह पर बैठ रहे हैं। कई लोगों के मन में प्रश्न खड़ा हो जाता है, गुरुजी कथा सुनने से होगा क्या, क्या होगा कथा सुनने से, क्यों हम समय बर्बाद करें, अपनी दुकान खोल कर बैठे, नौकरी करें, सर्विस करें, बिजनेस करें, हम कथा में जाकर क्यों बैठे। शिव महापुराण की कथा कहती है आप कथा में आप जाकर बैठो, ये जरूरी नहीं है कि कथा में बैठोगे तो परमात्मा तुमको आकर दर्शन दे ही जाएगा, पर एक बात निश्चित है कि 3 घंटा जब हम कथा में जाकर बैठेंगे तो ये पक्का है कि हमारे मुख से ना तो झूठ बोला जाएगा 3 घंटे, ना हम बेईमानी करेंगे 3 घंटे, ना हम कपट करेंगे 3 घंटे, ना हम छल करेंगे 3 घंटे, हम मौन रहकर शंकर की कथा को केवल ग्रहण करेंगे, तो हो सकता है कि हमारे जीवन की सार्थकता। हम ये नहीं कहते कि तुम 3 घंटे बैठे रहोगे तो तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा, हम तो इतना कहते हैं कि 3 घंटे तुम बेकार कर्म से बचते तो रहोगे, 3 घंटे तुम बेकार कर्म से बचकर तो रहोगे। और यदि थोड़ा बहुत समय भी अगर आपका भगवान की अविदल भक्ति में लगा है, और बहुत ध्यान से सुनना महाराज, इतने दूर से सागर से पटकुई तक तुम अगर ऑटो में बैठकर, गाड़ी में बैठकर, मोटरसाइकिल पर, साइकिल पर, स्कूटर पर, स्कूटी पर बैठकर अगर यहाँ तक आए हो, तो एक दिन नंदी पर बैठकर, गरुण पर बैठकर वो भी तो वहां तक जाएगा, वो भी तो पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। महाराज कभी ना कभी आएगा जरूर और दर्शन देगा। मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल दोनों हाथों से ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, जय हो।
तेरे चरणों में ध्यान लगाया, 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 मुझे अपना लिया हो भोलेनाथ, मुझे अपना लिया हो भोलेनाथ, दिल तुझको दिया हो दिया, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, 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 ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया दो भोले ना, जय हो। हर हर महादेव। तेरे चरणों में ध्यान लगाया, 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 अपना लिया ओ भोलेनाथ, मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ,
शंभो दूसरे नंबर के पंडाल में कितने लोग बैठे हैं, दोनों हाथ उठाकर बड़े प्रेम से ताली से लगे। जय हो मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, 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 ते मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, 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 आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ। शिव की कथा तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, मुझे अपना लिया को दिया ओ भोलेनाथ। शिव की आराधना में लग, भगवान की अविरल भक्ति में लग, जब शिव कथा करती है, शिव महापुराण वर्णन करती है, भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा करती है, देवराज नाम का जो ब्राह्मण है वो तुरंत भगवान शिव के मंदिर में गया, शंकर के मंदिर में, और जब शिव के मंदिर में जब जाता है, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर जब वो बैठता है, साथ में धन है थोड़ा सा चोरी का, और चोरी के धन को लेकर जब वो शिव मंदिर में पहुंचा तो उसका मन चित्त तो कथा में या सत्संग में या मंदिर में तो था ना, कथा में देखो शरीर को लेकर कथा में चले जाना सरल है, पर मन को कथा में लगाना कठिन है। एक बात आप लोगों से कहेंगे, बहुत दूर दूर से अपना घर छोड़कर ऑटो में 10-20 रुपए लगाकर आप यहाँ पहुंचते हो, तो कथा बड़े ध्यान से सुनना, जिससे 7 दिन की जब कथा सुन लो, जिस कामना से सुन लो, तो 3 महीने में बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण कर दे। हृदय लगाकर सुनो,
कितना समय लगाकर आप लोग यहां पहुंचते हो और चित्त ना लगे कथा में तो वो बेकार। महाराज देवराज मंदिर तक पहुंच गया, पर शिव मंदिर में पहुंचने के बाद में देवराज की चित्त वृत्ति भगवान में नहीं है, उसके शरीर में ताप बढ़ रहा है। शरीर में जब रोग होता है, शरीर में जब कष्ट होता है, व्यक्ति तुम किसी के शरीर में कष्ट है और तुम उसको समझाओ बहलाओ फुसलाओ तो उसके समझ में नहीं आता। पर एक निवेदन जरूर करेंगे, जब शरीर में अगर कष्ट है, परिवार में अगर दुख है तकलीफ है, तो एक काम जरूर करना, मेरे देव अधिदेव महादेव का दरवाजा मत छोड़ना, उसको पकड़ कर रखना। मेरे शिव का द्वार, शंकर की चौखट, शंकर का द्वार पकड़ कर रखना। देखो एक पत्र आया है, बड़ा सुंदर। आनंद कुमार जी सेन पीवासी बांदरी से आप ही हैं। दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। इस पत्र में आपने लिखा है आनंद जी, 2020 में ऐसी बीमारी से ग्रसित हुआ कि मैं मेरा परिवार पूरा बहुत परेशान हो गया। मैंने लगभग 2 लाख रुपए खर्च किए और वो ऑपरेशन करवाने का फिर भी आराम नहीं लग रहा था। आपकी शिव महापुराण चालू किया, मेरी बहन और पत्नी पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। गुरुदेव 2 व्रत किए, नागपुर में इलाज किया, ऑपरेशन हुआ पर आराम नहीं था। बाद में जब पशुपति व्रत प्रारंभ किया, सैंपल के लिए 15 दिन में रिपोर्ट आना थी और वो रिपोर्ट बाबा देव अधिदेव महादेव की कृपा से पूरे जो चांस थे, तकलीफ थी कष्ट था, बाबा ने हर लिया और मेरी जो रिपोर्ट आई वो एकदम नॉर्मल आई और मैं ठीक हो गया। इतनी बड़ी बीमारी हो गई थी गुरुदेव, अब मैं पूर्णतः बीमारी से ठीक हो गया हूं, पहले की तरह सामान्य अवस्था में आ गया हूं। आपकी कृपा से मेरी एक दुकान भी है जो बाबा की कृपा से चल रही है और बाबा चला रहा है। बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद देने के लिए मैं इस पावन कथा में पहुंचा हूं, केवल धन्यवाद देने के लिए। हर हर महादेव। बेटी आनंद जी, बाबा ने आपको ठीक करा, इतनी बड़ी बीमारी आपको हो गई। आपने लिखा है कैंसर जैसे सैंपल लेकर नागपुर से जब जांच गई, डॉक्टरों ने कह दिया था कि कैंसर ही है, पर पत्नी और बहन ने पशुपति व्रत करा और कहा जांच में आना नहीं चाहिए और वही हुआ। आखिरी में जांच में कैंसर नहीं आया, ये शिव की कृपा। बेटी आनंद जी, आपकी पत्नी और बहन आए हुए हैं, अच्छा आप ही हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब तो खुश होइए, बाबा ने बड़ी कृपा कर दी है। हर हर महादेव। विराजी एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, उसको भी सुन लीजिए। कांति सेनी, प्रमोद जी सेनी, रिटायर्ड पोस्टमैन, सागर मध्य प्रदेश से कहीं बैठे हैं।
कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। अच्छा उधर है क्या? हर हर महादेव। बड़ा सुंदर भाव व्यक्त करा है सैनी जी आपने, प्रमोद जी बहुत बहुत साधुवाद है। गुरु जी मैं और मेरा परिवार 13/4/2022 को सीहोर कुबेरेश्वर धाम रुद्राक्ष लेने गए, वहां हम लोगों को रुद्राक्ष प्राप्त हो गए था। मेरा परिवार पानी के गिलास में एक रुद्राक्ष डालकर प्रतिदिन जल का सेवन कर रहा है। अक्सर स्वास्थ्य खराब रहता था, बीमारी बनी ही रहती थी, नींद भी नहीं आती थी। बाबा देवरी देव की कृपा से जब से हमने, और शक्कर का जो लेवल है, शुगर जो थी वो भी ऊपर नीचे हो रही थी, जब से रुद्राक्ष का जल पीना प्रारंभ करा तब से शक्कर भी लेवल में है, बीमारी भी लेवल में है, और नींद भी बाबा के कृपा से खूब आ रही है, और बाबा कृपा करता है। हर हर महादेव। सैनी जी धर्मपत्नी आई है साथ में आपके? अच्छा उधर बैठे हुए हैं, ठीक है ठीक है, बहुत बहुत साधुवाद। हर हर बिराजी बिराजी बैठिए। श्री शिवाय, शिव कृपा है। पर एक निवेदन है आप सबसे, जितने लोग भी शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, रायसेन की कथा में वर्णन किया था कि रुद्राक्ष वितरण बंद है, और आप लोगों से भी निवेदन है कि रुद्राक्ष वितरण बंद है, और कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है कि करबद्ध निवेदन है कि जब व्यासपीठ से रुद्राक्ष वितरण बंद है तो आप लोग कोई भी अगर बाहर से भी आ रहा हो, चाहे नगर का भी आ रहा हो, चाहे कितने भी पहचान वाले आ रहे हो, आपसे करबद्ध निवेदन है कि रुद्राक्ष वितरण को बंद रखिए, अभी रुद्राक्ष मत बांटिए आप। और आप लोगों से भी निवेदन है जो लोग बाहर से रुद्राक्ष लेने के लिए आ रहे हैं, उनसे निवेदन है रुद्राक्ष वितरण बंद है, आप मत पहुंचिए कुबेरेश्वर धाम। दर्शन करना हो बाबा के तो पहुंचो, कंकर शंकर है आप उसका स्मरण करना हो तो पहुंचे, पर रुद्राक्ष लेने के लिए नहीं, क्योंकि गर्मी बहुत है, इतनी व्यवस्थाएं गर्मी में करना, वो तो ये केसरवानी परिवार और आप सब लोग इस पावन कथा का रसत्व ग्रहण कर रहे हो, तो यहाँ तो आप लोगों ने खूब गर्मी के हिसाब से ने पंखा और ये फुहारा ये सब लगा रखा है, और खूब अच्छी ठंडक की व्यवस्था भी कर रखी है। इसके लिए केसरवानी परिवार को बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद, बहुत बहुत भगवान की। पर कुबेरेश्वर धाम तो बाबा का धाम है, वहां तो कंकर शंकर है, अभी बाबा की कोई प्राण प्रतिष्ठा तो वहां हुई नहीं है, पर कार्य चल रहा है, तो जितनी व्यवस्था हो सकती है उस भूमि पर उतना कर पाते, इसलिए अभी रुद्राक्ष वितरण बंद है, तो उसको बंद रहना है। शिव कथा कर रही है, दिल से, हृदय से, चित्त से, मन से, जो भगवान की भक्ति का स्मरण करता है, शिव श्रवण करता है शिव कथा को, उसका मनोरथ पूर्ण होता है। आप हमारे साथ बाबा देवाधिदेव महादेव के शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण करेंगे, और मंत्र बोलने के बाद अपने हृदय की बात देवाधिदेव महादेव से कहेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। मामा से निवेदन करो, दुख आए तकलीफ आए, हम ये नहीं कहते कि मनुष्य के शरीर में दुख नहीं आएगा। कोई महाराज आपसे कहता हो, कोई कथा वाला आपसे कहता हो, कोई संत आपसे कहता हो, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई ब्राह्मण जन आपसे कहता हो कि मेरे पास आओ और मैं दुख नहीं आने दूंगा, तो वो हो सकता है भगवान, वो भले भगवान हो सकता है,
पर शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान का चरित्र कथा है कि शिव परिवार पर भी दुख आया। अगर मृत्यु लोक में जन्म लिया है तो दुख तो आए। दतिया तुम्हारे पास में ही होगा, जहां पे धूमावती माता बैठी है, धूमेश्वरी माता जहां पर विराजमान है, धूमावती जहां पर विराजमान है। ये शिव परिवार के दुख का ही एक चरित्र है धूमावती का मंदिर का दर्शन। भगवान शंकर ने एक बार माता पार्वती को काशी में ये बात कह दी थी। भगवान शंकर पार्वती जी से कहते, पार्वती मृत्यु लोक में रहता हूं मैं, ब्रह्मा ब्रह्म लोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, इंद्र इंद्र लोक में रहता है, और पार्वती मैं कैलाश पर पृथ्वी पर काशी में इस मृत्यु लोक का मैं निवासी हूँ। और सुन पार्वती, भूमि पर अगर हम रहते हैं तो कष्ट मनुष्य की देह में आएगा जरूर, ये निश्चित है। ध्यान करिए, बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे, एसी और डनलप के गद्दे में रहोगे तो भी मरोगे और नहीं रोगे, अरे बोलते तो जाओ रे सागर वालो, तो भी मरोगे, कथा सुनोगे तो भी मरोगे और नहीं सुनोगे तो भी मरोगे, गुलाब जामुन खाओगे तो भी मरोगे और नहीं खाओगे तो भी मरोगे, पर मरना निश्चित है, निश्चित है। डर कर मरो चाहे वीर बनकर मरो, मृत्यु तो निश्चित है, पर इन दोनों में कौन सी मृत्यु श्रेष्ठ है, डर कर मरना कि वीर बनकर मरना? वीर बनकर मरना तो है निश्चित है, शिवजी ने माता पार्वती से कहा, मृत्यु लोक में जन्म हुआ है तो यह बात याद रखना पार्वती कि इस संसार सागर में मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद मनुष्य को भोगना पड़ता है। दो कारणों से मनुष्य का शरीर मिलता है, एक भगवान का भजन करने के लिए, दूसरा कर्म का भोग भोगने के लिए। और सुनो पार्वती, मृत्यु लोक भोगने के लिए होता है। पार्वती जी ने पूछा भोलेनाथ जी से, काशी में आप मुझे क्यों समझा रहे हैं, क्या बात है? शिव जी ने कहा, हो सकता है जीवन है ये मनुष्य का, कभी मौका मिल जाए और उस मौके में कर्म भोग भोगना पड़ सकता है, कभी सुख है कभी दुख है। पार्वती जी ने कहा, आप जानते नहीं हो मैं देव अधिदेव महादेव की धर्म पत्नी हूं। शंकर भगवान ने कहा, ये मान ये पद ये प्रतिष्ठा जीते जी रहती है, शमशान में मुर्दा जब जल जाता है, अच्छे अच्छे जिनकी खूब खूब जोरदार हस्ती थी उनकी एक लोटे में अस्थि थी, कितनी, अरे जम के तो बोलो, एक लोटे से ज्यादा थी भी नहीं रे, छाट छाट के बटोरी है। शमशान में तीसरे के दिन जाते हैं रात समेटने तो बटोरते छाट छाट के, फावड़े से दांत मिले लोटा में रख दिया, उंगली की हड्डी है रख, खोपड़िया है रख लो, फेफड़ा है। रोना आता होगा, इतना बड़ा मनुष्य का शरीर इतने से लोटे में भरा,
कितने से लौटे। और टेंशन मत लो तुम भी, अपन सब भी लोटे में ही भराएंगे, कोई कहीं दूसरी जगह थोड़ी ना जाएंगे। इतने से लोटे में विचित्र पार्वती, जीवन में दुख आता है। पार्वती जी कहने लगी मेरे जीवन में दुख, हाँ दुख आता है। पार्वती जी कहने लगी मैं देवी हूं। शिव जी कहते हैं कि तू देवी बाद में है, पहले मृत्यु लोक में तू आई है, हिमालय राज के घर में तेरा जन्म हुआ है, तू प्रगट नहीं हुई है, हिमालय राज के घर में तेरा जन्म हुआ है। मेरी अर्धांगनी बनी है मृत्यु लोक में, इसलिए दुख और सुख ये दोनों मिलेंगे जीवन में। पार्वती जी कहती है ऐसा होता है, हाँ। और आया समय, ये दतिया वाली माता की कथा कहती है धूमावती की, समय आया शंकर जी तप में लीन हो गए, पार्वती से कहकर तप में लीन हुए भगवान शिव। भगवान शंकर ने कहा पार्वती 11,000 वर्ष के लिए मैं तप लगा कर बैठ रहा हूँ, साधन लगा कर बैठ रहा हूँ, तपस्या में लीन हो रहा हूँ 11,000 वर्ष तक। पार्वती तू मुझे टोकना नहीं, मैं 11,000 वर्ष के बाद अपनी समाधि से उठूंगा। पार्वती के कहकर शिव जी समाधि में बैठ गए। समय आया, घर परिवार में दुख और सुख तो चलते रहते हैं। आज भगवान गणेश जी ने आकर कह दिया माँ बहुत भूख लगी है, माँ कुछ भोजन दे दीजिए। माँ अंदर गई तो रसोई घर में कोई भोजन नहीं था। क्योंकि ये लीला शिवजी कर रहे हैं, रसोई घर में कोई भोजन नहीं। थोड़ी देर बाद में कार्तिकेय जी आ गए। कार्तिकेय जी ने आकर कहा माँ माँ बहुत भूख लगी है। माँ ने अंदर जाकर देखा तो भोजन नहीं था। अशोक सुंदरी दौड़कर आई, माँ भूख लगी है। अशोक सुंदरी को भी भोजन नहीं मिला। माता पार्वती की आंख में आंसू भर गए। मेरे बच्चे आज बिलख रहे, मेरे बच्चे आज रो रहे हैं, मेरे बच्चों को आज दुख है, भूख लग रही है, भोजन नहीं है। बड़ा माता पार्वती को दुख हुआ तो माता पार्वती किससे कहे। पति अपनी पत्नी पर चिढ़ जाता है कभी कभी, और चिढ़कर बोलता है जब देखो जब तू मेरे से कहती है, तो पति से पत्नी कहती है तुम बता दो कि मैं तुमसे नहीं कहूं तो फिर किससे कहूं। बोलो री जी जी सही है कि गलत है। और अगर मैं अपने दिल की बात दूसरे से कहूंगी फिर तुमको काली वाली मिर्ची। बोलो सही है कि गलत है। अगर पत्नी पति से नहीं कहेगी तो किससे कहेगी। और अगर आप मेरी नहीं सुनेंगे तुम कौन सुनेंगे, किससे कहूं मैं। शंकर भगवान को माता पार्वती ने जगाना चाहा, शिवजी नहीं उठे। जल चढ़ाया, शिवजी नहीं उठे। बेलपत्र समर्पित करी, शिवजी नहीं उठे। बार बार प्रयास किया, बाबा देव अधिदेव महादेव नहीं हुए। क्रोध आ गया मां, अन्न घर में नहीं, भोजन नहीं घर में। मां ने सोचा मेरे बच्चों को मैं अगर स्तनों में दूध आता तो मैं अपने बच्चों को पिला देती, पर स्तनों में दूध भी नहीं, क्या करूं मैं। मां शंकर भगवान को उठाई माता पार्वती, और शिव जी को उठाकर माता पार्वती शंकर भगवान को निगल गई। आद्य शक्ति है, आद्य शक्ति है। शिव को निगल गई, शंकर भगवान को निगली, और निगलते से ही माता पार्वती के स्तनों में से दूध बहने लगा। गणेश जी कार्तिकेय शुक सुंदरी पीकर पेट भर लिए। माँ अब हमारा पेट भरा गया। भगवान विष्णु ने इंद्र से कहा इंद्र
शिव जी नजर नहीं आ रहे, जरा पता करो बाबा देवाधिदेव महादेव कहाँ है। शंकर भगवान का जब पता लगाने के लिए इंद्रदेव गए, शंकर जी मिलते नहीं है, ब्रह्मा जी ढूंढे, भगवान विष्णु ढूंढे, 33 कौटी देवता भगवान शंकर को ढूंढने का प्रयास करते रहे, पर भगवान देवाधिदेव महादेव नहीं मिलते। आखिरी में देव ऋषि नारद से पूछा कि भोलेनाथ कहाँ गए, तब कहा माता पार्वती अपने बच्चों का पेट भरने के लिए निगल गई। सुनते सही भगवान विष्णु ने माता पार्वती से कहा, माँ आप शिव को प्रकट करो। शंकर भगवान को प्रकट मैं कैसे करूं, मैं तो निगल गई उनको। ब्रह्मा जी ने कहा माँ आप कैसे भी उनको प्रकट करो। तब माता पार्वती ने अपने मुख से नासिका से धुएं के रूप में भगवान शंकर को प्रकट करा, तो माता पार्वती का नाम धूमावती हो गया। शिव जी का एक नाम धूमवान पड़ गया, माता जी का नाम क्या पड़ गया, जम के बोलो जरा, धूमावती माता पड़ गया। शंकर भगवान सामने आ गए और आते से पार्वती ने जब उनके चरणों को प्रणाम करा, शिवजी ने कहा पार्वती सुन, थोड़ी देर के लिए तू अपने पति को निगल गई थी, थोड़ी देर तेरा पति नहीं था, इसलिए तेरी मांग में सिंदूर नहीं होगा, तेरे माथे पर बिंदी नहीं होगी, तेरी पांव में बिछुड़ी नहीं होगी, तेरे गले में उस समय पर मंगल सूत्र नहीं होगा, तू धूमावती बन गई थी, अपने पति को निगल गई थी, इसलिए इस स्वरूप में तेरी ना तो मांग भरी होगी, ना बिंदी लगी होगी, ना चूड़ी होगी, ना पांव में बिछुड़ी, ना मां गले में मंगल सूत्र होगा। माता पार्वती की ये मूर्ति का दर्शन, इसलिए आज भी सौभाग्यवती माताएं धूमावती माता का दर्शन नहीं करती हैं। पर्दा लगा होता है, पुरुष मंदिर के अंदर जाते हैं, माता को भोग लगाते हैं, प्रणाम करते हैं, वापस पर्दा बंद कर कर बाहर निकल जाते हैं, पर धूमावती का दर्शन सौभाग्यवती नारी नहीं करती है। क्यों? क्योंकि वो अपने पति को निगल गई थी कुछ देर। सबसे ज्यादा धूमावती माता की आराधना अगर कोई करते हैं कार्य सिद्धि के लिए, राजनेता अधिकाधिक प्रशासनिक अधिक लोग जो जाते हैं वहां कुछ पाने के लिए जाते हैं। सुख है तो दुख भी है जीवन में, अगर आपके जीवन में अगर दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, हम ये नहीं कहते कि आपके जीवन में दुख नहीं आएगा। कोई कहे तो हो सकता है वो भगवान हो कि वो कह दे कि मैं सारा दुख तुम्हारे पास दुख आएगा ही नहीं, तो वो हो सकता है भगवान हो। पर शिव महापुराण की कथा करिए, मृत्यु लोक में अगर जन्म लिया है, माता के गर्भ से अगर जन्मे हो, पृथ्वी पर अगर जन्म हुआ है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि जीवन में दुख तो आएगा, सुख भी आएगा, पर घबराना नहीं है। एक काम करना कि जीवन में अगर रोग आए, बीमारी आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, सारे दुख तकलीफें अगर जीवन में आ रही है, तो एक काम करना, शंकर के मंदिर में जाना मत छोड़ना, शिव का स्मरण करना मत छोड़ना, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मूल मंत्र का जाप करते हुए अपने जीवन को निकालना, हो सकता है तेरे दुख कट गए। जैसे भैया जी बोले कि बीमारी इतनी बड़ी थी, डॉक्टर ने भी कह दिया था कि कैंसर होगा, निश्चित है कि कैंसर होगा, जांच भी पहुंच गई, पर 13 ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। पर शिव की आराधना, भगवान शंकर की भक्ति और शिव की अविरल भक्ति जो धारण करता है, तो जीवन में दुख कटते चले जाता, दुख मिटना, ये दुख को समाप्त करने का तरीका आपको आना चाहिए केवल शिव का स्मरण। जन्म लिया तब माता के गर्भ में केवल एक पिंड के रूप में थे,
और मरने के बाद भी परिवार वाले अगर कुछ छोड़ते हैं तो केवल पिंड ही छोड़ते हैं। पिंड देकर पिंड छुड़ा लेंगे कौन? अरे बोलो तो जम के, अपने ही घर के लोग। इतना बड़ा पिंड बनाएंगे देंगे और 100 साल का पिंड छुड़ा लेंगे। जाओ, खत्म हो गया तुम्हारा और हमारा, अब सब समाप्त। हमने नुक्ती सेव पूड़ी रायता पंडितों को खिला दिया है और 13 बामन जिमा के हमने पिंड छुड़ा लिया। इसीलिए बार बार कहते हैं, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। इसलिए स्मरण रहे। फिर कहेंगे दुकान पर सर्विस पर नौकरी पर झूठ तुम बोले हो, कपट तुमने करा है, बेईमानी तुमने करी है, प्रपंच तुमने करा है, इसलिए ना पत्नी भोगेगी ना पुत्र भोगेगा। भोगना तो तुझे अकेले पड़ेगा, इसलिए याद रखना तेरा क्या होगा रे कालिया। स्मरण रहे आप, ऊपर जाएगा बंदी बनाकर, रोका जाएगा, रोएगा। मैंने तो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए झूठ बोला था, मैंने उसका अच्छा कॉलेज मिल जाए इसलिए झूठ बोला था, मैंने बेईमानी करी तो अपनी पत्नी और बच्चों के लिए करे, घर बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए, दुकान के लिए, जमीन के लिए, जायदाद के लिए, मैंने इनके लिए करा, मैंने पत्नी और बच्चों के लिए करा, मैंने परिवार के लिए करा। अगर नरक मुझे दे रहे हो तो मेरे पत्नी और बच्चों को भी दो, मेरे परिवार को भी नरक भेजो। तो परमात्मा कहेगा, यम के दूत कहेंगे, झूठ तूने बोला, बेईमानी तूने करी, छल तूने करा, कपट तूने करा। जो खाएगा पेट उसी का भराएगा, इसलिए जो बोलेगा नरक। तो जी जी हो तुम चिंता मत करना, तुम तो चिप जूड़ा मोड़ा बांध कर डेंटिंग पेंटिंग कर कर अपने कहीं करना, अपने चिंता नहीं करना हो। आज एक आयोजन में नाट्यगृह में मां सभागार में पहुंचे थे, तुमने एक बात कही थी कि पूरा जमाना तुम्हारी सुनता हो, पूरे गांव के लोग तुम्हारी सुनते हो, पूरे सोसाइटी के लोग तुम्हारी सुनते हो, और तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा पुत्र यदि तुम्हारी नहीं सुनता तो पहली फुर्सत में शिव महापुराण में जाना चालू कर दो, क्योंकि सब सुने और पत्नी और पुत्र ही तुम्हारे कहने पर नहीं चले तो वो मनुष्य का जीवन बेकार है। फिर राम नाम गाओ, शिव नाम गाओ, भगवान का भजन करो और उसका गुणगान करो। जब पत्नी और बच्चे ही तुम्हारा, दूसरों से कहा उसने सुन लिया, मोहल्ले वालों से कहा उसने सुन लिया, कॉलोनी वालों से कहा उसने सुन लिया, समाज के लोगों से कहा उसने सुन लिया, पूरे गांव के लोगों से कहा उसने सुन लिया, सब तुम्हारा कहना मानते हो और तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा पुत्र अगर कहना नहीं मानता तो जीवन का सब बेकार। मेरे देव अधिदेव महादेव, मेरे शंकर, मेरे ओघड़ी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी अविनाशी के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाने का फल क्या है, उसका महत्व पार्वती
खंड के अंतर्गत शिव महापुराण में कहा गया कि माता पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि इस एक लोटा जल चढ़ाने का फल क्या है। पार्वती जी ने जब पूछा तो शिव जी ने कहा, देवराज ब्राह्मण की कथा लोटा जल चढ़ाने का फल बताती है कि देवराज ब्राह्मण चोर था, चोरी करता था, धन चुरा कर लाता था, गलत कर्म में लगा रहता था, कभी उसने जीवन में अच्छा काम नहीं करा। पर शंकर जी के मंदिर में मरते समय, मरने से पहले शिव जी के मंदिर में पहुंचा, शंकर जी के मंदिर में जाने के बाद शिव जी के मंदिर से बाहर निकला, एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूट गए। शिव महापुराण की कथा कहती है तो पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, जब देवराज चोर था, गलत काम करता था, बेईमानी करता था, प्रपंच करता था, छल करता था, बेकार काम करता था, तो देवराज शिव मंदिर कैसे पहुंच गए। व्यक्ति अच्छा काम करता है तभी तो शिव महापुराण में पहुंचता है, जो बेकार काम करेगा तो शिव पुराण तक कैसे जाएगा, शिव मंदिर तक कैसे जाएगा। बेकार काम करने वाले को तो भगवान वैसे ही रोक देता है कि तू अच्छी जगह जाए मत। फिर वो अच्छी जगह कैसे पहुंच गया। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती देवराज ब्राह्मण की जो माँ थी उसका नियम था एक लोटा जल प्रतिदिन जो भी शंकर का मंदिर घर के पास था वहां जाकर चढ़ाती थी। उस जल का प्रताप ये रहा कि मरने से पहले चोर बेटा भी शंकर के मंदिर पहुंच गया और प्राण छूटने के बाद शिव के धाम चला गया। ये लोटा भर जाता सारी समस्या का हल। जरा जम के बोलो, एक लोटा जल। ऑफिस जाओ तो चढ़ा कर जाओ, दुकान जाओ तो चढ़ा कर जाओ, घर से जाओ तो एक लोटा जल चढ़ा कर जाओ। घर का एक एक बच्चा अगर एक लोटा जल चढ़ाता है तो उसके ऊपर शिव शिव को एक बहुत सरल भाषा में इस कथा को और अच्छे से ले लो। किसी की शादी में तुम जाओ और तुम जाओ, रोटी खाओ चाहे मत खाओ, पानी पियो चाहे मत पियो, पर जिसने बुलाया है तुम उससे मिलकर आओगे कि नहीं आओगे। अरे बोलो जम के मिलोगे ना कि भाई हम भले खाना नहीं खाए, टाइम नहीं, हमारे पास समय नहीं है, अब शादी में आए तो हो, पर एक काम तो करोगे ना। क्या? जिसने बुलाया है, जिसके घर शादी है, उससे आमना सामना तो करके आओगे, मिलके तो आओगे, उसको मुंडा दिखा के तो आओगे। क्यों मुंह दिखा कर आओगे कि उसको लग जाए हम आए थे। उसी तरह तुम पंचाक्षर मंत्र बोलो मत बोलो, तुम षडाक्षर मंत्र बोलो मत बोलो, तुम नमः शिवाय बोलो मत बोलो, तुम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलो मत बोलो, तुम कथा सुनो मत सुनो, पर एक काम करना। जैसे शादी में तुम खाना खाओ चाहे मत खाओ, पानी पियो चाहे मत पियो, पर जिसने बुलाया है उससे मिलकर जरूर आते हो, उसको मुंह दिखाकर जरूर आते हो। उसी तरह प्रतिदिन नियम बना लो कि मुझे शंकर जी के मंदिर में अपना मुंह दिखाने के लिए जाना है, जिससे उसके पास जाऊं तो पहचान जाए कि ये रोज आता था, मेरा है, अपना है, उसको पहचान बन जाए, उसकी पहचान करना। एक चाय देने वाला भी रोज ऑफिस में आता है ना, तो ऑफिस के लोग चाय वाले को पहचान जाते हैं, क्यों रे कालू आ गया, हाँ सर दो चाय दो कट ले। फिर अगर चार छह दिन तक कालू आया और एक दिन नहीं आया तो लोग दूसरा व्यक्ति आ गया, चाय का ऑर्डर दिया और वो दूसरा आया, क्यों रे चाय तूने दूसरे से मंगवा ली क्या, नहीं वहीं से मंगवाई, तो कालू क्यों नहीं आया, कालू क्यों नहीं आया, क्या पता उससे पूछा क्यों रे आज चाय लेके कालू क्यों नहीं आया, सर उसकी तबीयत खराब है, अच्छा इसलिए नहीं आया। फिर सर को चिंता लगी, देखना उसको अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बता देना, हो दवाई मवाई चाहिए तो मैं दूं, एक में से निकाल के ऑफिस में ही रखी हुई है, बोले तो दे दूं, तबीयत खराब हो तो क्यों आया नहीं, तो चिंता उस व्यक्ति को ऑफिस में लग गई कि वो चाय देने क्यों नहीं आया। जब एक व्यक्ति रोज आता है चाय देने के लिए नहीं आया तो ऑफिस वालों को चिंता लग गई, बेचारा कितना अच्छा था, क्या हो गया उसको। उसी तरह तुम रोज रोज मंदिर जाते रहोगे, शिव के द्वार जाते रहोगे, शंकर की चौखड़ पर जाते रहोगे, और अगर एक दिन तुम्हारा दिल दुख गया, हृदय दुख गया, तुम शिव के द्वार नहीं गए तो उसको चिंता हो जाएगी, आज कमला भाई आई क्यों नहीं, कारण क्या है, क्या हुआ जो वो पहुंची नहीं,
क्या कारण हुआ जो वो पहुंचा नहीं है? कारण क्या है? आप आए नहीं और सुबह हो गई मेरी पूजा की थाली धरी की। धरी क्या कारण हो सकता है? क्या हुआ? मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। क्यों? जीवन में मनुष्य का शरीर है, मानव की देह है, दुख आएगा सुख आएगा, पर दुख आए तो घबराना नहीं, इधर उधर भटकना मत, माथा इधर उधर भड़कना नहीं कि कभी यहाँ चले गए कभी वहां चले गए अपने को। तुम फिर निवेदन कर दूं आपसे, पड़ोसन को कितनी भी चाय पिला लो, पड़ोसन को कितना भी अचार खिला दो, पड़ोसन के कितने भी पापड़ खिला दो, पर पड़ोसन कभी अपनी जायदाद का हिस्सा तुम्हें नहीं दी। और सागर की अगर पड़ोसन हो और देती हो तो हमें भी बता दो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हे ऐसी तुम्हारी अड़ोसन पड़ोसन जो जायदाद का हिस्सा देगी तुमको, तुम कितना भी अच्छे से चाय पिला लो, चाय सिर पे पल्लू लगे धोक लगाई ना, कितने भी पड़ोसन की धोक लगा लो तो जायदाद का हिस्सा नहीं। और सास भले तुम चाय पिलाओ मत पिलाओ, धोक लगाओ मत लगाओ, पूछो नहीं पूछो फिर भी जब मरेगी ना उसकी जितनी रकम है ना, जितनी बहू है ना, चार पांच छह दो तीन सब उन्हीं को मिलना, कोई दूसरे को नहीं मिलेगी कि सास दूसरे को दे देगी, नहीं। सास मरेगी तो उसका हिस्सा बहुओं को ही प्राप्त होगा। तुमने चाय पिलाई कि ना पिलाई, अच्छे से बोले कि ना बोले, प्रणाम करा कि ना करा, नमन करा कि नहीं करा, पर जायदाद का हिस्सा सास किसी को नहीं देगी, अपनी बहू को देगी। कई कई सास ऐसी मिलती भी है जो हमेशा कहती है कि गुरु जी मेरी बहू बड़ी बेकार है, बहुत अपशब्द बोलती, गुरु जी बहुत टेंशन देती है। तो हमने भी कह दिया एक काम कर, जितना भी तेरे पास है नहीं हरिद्वार में दिया, इतने में तो तुरंत पल्लू रख के बोलिए महाराज कई पागल समझ रखा मारे ठेंगा नहीं दी। तो मैंने कहा फिर किसको देगी? बहु का छोरा बेचारा इतना मेरी सेवा करे, बहु के छोरे को दूंगी। तो मिला तो उसको कि दूसरे को मिल गए? पड़ोसन को कितनी भी चाय पिला लो, प्रणाम कर लो, नमन कर लो, वो चाय चाय का हिस्सा नहीं देती, पर सास को पूछो ना पूछो पर हिस्सा सास ही देती है। उसी तरह ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्र लोक में रहते हैं, सारे 33 कोटि देवता अपने अपने लोक में रहते हैं, पर मृत्यु लोक में रहता है तो मेरा देव अधीरे महादेव रहता है। आप पूछो मत पूछो, जल चढ़ाओ चाहे मत चढ़ाओ, शंकर की कथा में जाओ चाहे मत जाओ, अंत समय में तो भी मेरा महादेव अपने गले तो तुमको लगा ही लेता है, आओ मेरे पास। इसलिए मरने के बाद व्यक्ति जब मरता है तो उसको कहीं VIP होटल में ले जाकर अंतिम संस्कार नहीं करा जाता, कहां ले जाता? अच्छे तो बोलो, शमशान घर तुम्हारी पसंद का होगा, घर में लगने वाला पत्थर तुम्हारी पसंद का होगा, घर में लगने वाला किचन तुम्हारी पसंद का होगा, पर मरने पर शमशान शंकर की पसंद का होगा कि कौन से मसाण में जल जाए, ये शिव पसंद करते हैं कौन सी जगह लेके जाना है। मृत्यु उस जगह पर ले जाती है जहां पर आपको मरना है। घर तुम्हारी पसंद का, शमशान शंकर की पसंद का होगा।
और कितना ही प्रयास कर लो, ले जाने वाले तो तुमको तोप के, चाहे कितना ही रो फिर भी कौन रखे। शेर मरे तो उसकी तो खाल भी काम आ जाए, पर ये पापीड़ा मनुष्य इतना झूठ प्रपंच करे कि तो खाल भी काम नहीं आए। तुरंत के दे घर के लोग, ले जा बांध। और जो अर्थी के बांधने वाले एक्सपर्ट होते हैं वो इतनी जोरदार अर्थी बांधते हैं, दो उधर बैठते हैं, दो इधर बैठते हैं, मुर्दे को कपड़ा उड़ा के खींच और खींच, उधर से अच्छे से बांधो, हाँ उधर से बांध लो, सबको मालूम है मर गया। उसके बाद भी इतना खींच के बांध के ले जाते हैं क्योंकि सबको मालूम है भग गया तो भगवान को तो अपनी कुर्सी भरना है, ये भग गया तो अपने में से किसी को निपटा दिया तो इसी को अच्छे से बांध के ले चलो। और चिल्लाते चिल्लाते जाते हैं राम, अच्छे से बोलो, जरा जम के बोलो, राम नाम सत्य है जो जीवन का एक सार तत्व है, इसके सिवाय कुछ नहीं। अंत में कोई नहीं कहेगा कि धन सत्य है, कि धर्म पत्नी मारी सत्य है, कि छोरा छोरी सत्य है, सब एक ही बोलेंगे, राम नाम सत्य है। और ले जाएंगे आरती जल उतारेंगे, चिता पे सुलाएंगे, आग लगाएंगे और सब इधर उधर बैठ के मल मुला के खा के घर आए, नहाए, परिवार वाले भी बाजू में से पूड़ी और सब्जी आ जाएगी, सिर से पल्लू रख रख के रोता रोता भी है। खाता जाएगा कई, फिर इतने में कोई आ जाएगा तो फिर रोवा पड़ी बच्चा, जैसे कोई गया फिर ये भी जमाना। मालवा के संत श्री नागर जी महाराज कहते हैं, तेरा तेरा दिन याद करे क्यों रे नर सुमिरन क्यों नहीं करे, सुमिरन क्यों नहीं करे, क्यों रे नर सुमिरन क्यों नहीं करे, केवल तेरा दिन याद करेंगे। और 14वें दिन फोटो जो टेबल पे था दीवार पे टांग देंगे, प्लास्टिक के फूल की माला, फिर 16 सरार में नीचे उतारेंगे फोटो को, कंडा जला के धुनी देंगे और पूड़ी और खीर फोटो पे चिपका देंगे। तुम फोटो पे साल भर पूड़ी चिपकी रहेगी, अगले 16 सरार में फिर पोच के गिरा देंगे, एक साल तक पूड़ी और खीर। तुम स्माइल देते रहोगे और पूरी चिपकी रहेगी, इससे भारी और जिंदगी क्या है मनुष्य खत्म। इसीलिए निवेदन है, फिर कह रहे हैं, सागर वालों मौका मिला है शिव महापुराण कथा श्रवण करने का, इसी में बस मौके को देखकर चौका लगाना है और परमात्मा की ओर जाना है, भटकना नहीं। हर हर आराधना शिव की करना है, शंकर की भक्ति में रमना है, शिव स्मरण की ओर चलना है, भगवान की अविरल भक्ति को अपने भीतर धारण करना। तुम चंदा बनो तो मैं तारे बनूं, आकाश में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, आकाश में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगे ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगे ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ।
तुम नदिया बनो तो मैं धारा बनूं, 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 पानी में मिलेंगे में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ ओ भोलेनाथ, मेरे ओ तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, जय हो। सुगंध बनो तुम पुष्प बनो तो सुरंग बनो, तुम पुष्प बनो तो सुगंध बनो, तुम पुष्प बनो तो सुगंध बनो, डाली पे
से मिलेंगे ओ भोलेनाथ मेरे ओ भोलेनाथ ओ भोलेनाथ ओ भोलेनाथ ओ भोलेनाथ हाँ मेरे ओ भोलेनाथ ओ भोलेनाथ मेरे ओ भोलेनाथ ओ भोलेनाथ तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ ओ भोलेनाथ तेरे संग में रहूंगी 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 ओ भोलेनाथ रही है भक्ति की अविरलता धारण कर कर भगवान की भजन की अविरलता धारण कर कर शिव स्मरण में जैसे देवराज पहुंचा है शंकर जी के मंदिर में शिव के स्मरण में पहुंच गया भले उसने भजन नहीं करा भले उसने भजन ना कर कर कोई कथा भी नहीं सुनी पर उसने एक काम करा कि शिव के द्वार से शंकर के मंदिर में प्रवेश कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम् श्री शिवाय नमस्तुभ्यम् श्री शिवाय नमस्तुभ्यम् शिव के मंदिर में प्रवेश करा उसका फल जो माँ एक लोटा जल शिव को समर्पित करती थी उसका फल मिला है बहुत ध्यान दीजिए कथा पर कि दुख आए तकलीफ आए कष्ट आए वो अपनी जगह पर पर उस दुख और तकलीफ के साथ में शिव का स्मरण हो जाए अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महान जो शिव का उपासक है सब जाते हो शंकर जी के मंदिर एक लोटा जल समर्पित करने जाते हो ना अब जरा विचार करिएगा पहला जब तुम शिव मंदिर नहीं जाते थे एक लोटा जल शंकर को नहीं चढ़ाते थे सब जगह जाते थे पर देव अधिदेव महादेव के द्वार नहीं पहुंचते थे एक उस समय का अंदाजा लगाइए और एक शिव मंदिर जब से जाना चालू करा तब से अंदाजा लगाइए कि हृदय में कितना आनंद की अनुभूति हो रही होगी बाबा खुद धीरे 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 हाथ पकड़ते जाता है और पार लगा ही देता है शिव कृपा से एक पत्र आया है देखिए मैं आशा कृष्ण गोपाल चौरसिया जयपुर से हूं कहीं बैठे हैं आप ही हैं दोनों हाथ हिला दो एक बार हर हर महादेव
जरा माइक पहुंचा ना, वहां पास में है, वो नजदीक में ही है माता जी, वही पहुंचा दो। माता जी इसमें एक लाइन बड़ी सुंदर लिखी है आपने, भोलेनाथ दया करना मेरे भरोसे हूँ। नीचे लिखा है आपने, मैं तेरे भरोसे हूँ। माता जी आपने लिखा है 28/2/2022 को कुबेरेश्वर धाम आई थी बाबा, वहां से मैंने बाबा को बोला, बाबा सब ठीक कर देना, बहू बेटे का केस चल रहा था जी गुरुजी, उसमें हो गया जी गुरुजी। बाबा मैं 28 तारीख को फरवरी में कुबेरेश्वर धाम गई थी जी, और वहां से आकर मैंने पशुपति व्रत किए जी, और एक व्रत में बहू की खबर आ गई थी, दूसरे में बहू घर आ गई थी। बधाई हो आपको बहुत बहुत, बाबा की कृपा हो। बाबा मेरी बहू भी आई है, हम साथ में साथ बाबा में। को अरे बाबा, बाबा को साथ में ठोक देने आए हैं बाबा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबू बढ़िया हो, आनंद है जी पंडित जी, बस अब खुश रहना है, आनंद में रहना है, बाबा ने बुलाया है आपको और बाबा ही रखने हैं, सब अच्छा रहे बस यही, बस बाबा की कृपा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए 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 बैठिए। मेरे बाबा दया करना मेरे ना, घर के भरोसे हूँ ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ ना परिवार के भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना बैठी है माँ बैठी। हर हर। एक पत्र बड़ा सुंदर आया है, पत्र भी बड़ा सुंदर है। आकांक्षा दुबे मकरोनिया सागर से हूं, कहीं बैठी है आकांक्षा जी, आप ही हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपने लिखा है बाबू कि मासिक धर्म से जुड़े हुए बहुत समस्या थी गुरुदेव, कई सालों से इलाज चल रहा था पर ठीक नहीं हो पाए थे। तब मेरी मम्मी ने आपके द्वारा बताया गया चना दाल और तुलसी का उपाय किया, और मैंने भोलेनाथ से प्रार्थना कर वो उपाय जो किया उसके द्वारा मैं पूर्ण तरह से ठीक हो गई। यही शिव जी को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। हर हर महादेव। मेरे बड़े भाई को भी कमर में जॉइंट का प्रॉब्लम हो गया था, परेशान था, फिर हमने अभिषेक कर बेलपत्र खिलाना प्रारंभ करा, अब वो भी ठीक है और बाबा की कृपा से हमारा पूरा परिवार बहुत खुश है। हर हर महादेव। बैठिए बाबू बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव कृपा ही ऐसी, हम फिर कहेंगे ना तो हमारे पास देने के लिए कोई भभूत है ना बेल है ना हमारे पास कुछ है कि हम तंत्र जानते हो कि मंत्र जानते हो कि हम साधना करे हो कि हमारे पास कोई विद्या हो या हमारे को कोई ज्योतिषी आती हो, हमको कुछ नहीं आता। हम तो केवल इतना जानते हैं कि शिव का स्मरण करो क्योंकि मृत्यु लोक का एक ही देव है, वो देव अधिदेव महादेव है। भूल से भी इस मुख से अगर शिव का नाम निकल जाता है तो भी शंकर करुणा कर जाता है, ऐसा भोला मेरा महादेव है महाराज, इतना भोला है। गए देवराज, ओम शिव महापुराण की कथा चल रही है। इस कथा के माध्यम से हमें वहां पहुंचना है कि शिव महापुराण ये वर्णन कर दे कि पहला ओम का नाद कब प्रकट हुआ था, कहां प्रकट हुआ था,
इस कथा के माध्यम से हमको वहां पहुंचना है साथ में। इस ओम नाद में तीन अक्षर छुपे हुए हैं, आ उ और मा। चाहे आप मान लो ब्रह्मा विष्णु और महेश, सारे वेद, सारे शास्त्र, सारी पुराण, इस ओम के अंतर्गत और केवल सनातन धर्म ही नहीं, इस सनातन धर्म से भी हटकर जितने धर्म हैं, जितने भी धर्म हैं, सारे धर्म में ओम शब्द का नाद है महाराज। एक बात का स्मरण रहिएगा आपके भीतर, जब कभी ऐसा लगे जीवन में कि मैं बहुत दुखी हूं और कष्टमय जीवन चल रहा है और कोई समस्या का हल ही नहीं मिल रहा, बहुत दिन हो गए जूझ रही हूं मैं इन समस्याओं से, तो बेलपत्री की जड़ के अंतर्गत, जो बेलपत्री का बड़ा वृक्ष हो उसकी जो जड़ हो, उस जड़ पर लाल चंदन घिसकर या लाल चंदन से कटोरी में घिसकर लेकर जाएं, शिवजी पर लाल चंदन से पूजन करने के बाद में उसी चंदन को लेकर आकर बेलपत्री की जड़ के अंतर्गत ओम अक्षर का, ओम अक्षर को लिखकर एक बेलपत्र अपनी कामना करकर उस जड़ पर बेलपत्री के समर्पित करना। पहले कथा में कहा है कि बेलपत्री कोई साधारण सा वृक्ष नहीं है, इसको केवल साधारण मत मानना। ये कोई सादा सा वृक्ष नहीं है, बेलपत्री की जड़ में ओम शब्द लिखकर, अक्षर लिखकर उस पर एक बेलपत्र समर्पित कर शिवजी से अपनी कामना कर जो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के अंतर्गत बेलपत्री के वृक्ष की पूजन कर ये नाद कर ओम अक्षर का नाद कर स्मरण कर आता है। ज्यादा से ज्यादा कहेंगे तो चार दिन, पांच दिन में या छह दिन में मेरा देव अधिदेव महादेव जो समस्या और टेंशन जिंदगी में चल रहा होता है उससे थोड़ा बहुत तो निजात मेरा देव अधिदेव महादेव उसी समय करना प्रारंभ कर देता है। शिव कृपा होने लगती, पर चंदन लगा होना चाहिए शिवलिंग पर, पहले शिवलिंग पे चंदन लगाना है उसके बाद लेकर जाना। कौन से दिन? जम के बोलो जरा, प्रदोष समय, प्रदोष काल। लग रहा है कि जूझ रहे हैं हमारे जीवन में, बहुत बहुत टेंशन, बहुत समस्या, तब ओम अक्षर का नाद मूल होना चाहिए। आप में से कितने लोग शिव मंदिर जाते हैं? सभी लोग जाते हैं ना, तो शंकर जी के मंदिर जाते हैं तो आप जब वापिस लौट कर आते हैं तो नंदी के कान में, जब हम नंदी से कुछ कहते हैं, आप लोग जब वापिस लौट कर आते होंगे तो नंदी से कहकर आते होंगे ना कुछ ना, तो जब हम नंदी से कुछ कहकर आते हैं, आपने देखा होगा कई लोग नंदी के कान में कुछ कहते हैं, फिर नंदी का जो सिंह होता है उस सिंह के बीच में से शिवलिंग का दर्शन करते हैं। तो नंदी को जब कोई बात कही जाती है
नंदी से जब कुछ कहा जाता है कि हमारी बात शिवजी तक पहुंचाना, तो उसमें सबसे पहला अगर नाद करा जाता है नंदी के कानों में, तो ओम का नाद करा जाता है। आप सीधे जाकर अगर कहेंगे नंदी को कि हमारी ये बात है, आप वहां तक पहुंचा देना, तो नंदी उस बात को कहे चाहे नहीं कहे, पर जब आप नंदी के कान में ओम कहने के बाद में अपने हृदय की बात कहते हैं, तो जैसे एक पत्र आपने भेजा और पत्र को तुमने लिफाफे के अंदर रख दिया, रखने के बाद में तुमने एड्रेस भी लिख दिया, समझ लेना बहुत अच्छे से, एड्रेस लिखने के बाद में तुमने अपना मोबाइल नंबर भी लिख दिया, सब कुछ कंप्लीट कर दिया। अब इस लिफाफे को तुमको भोपाल भेजना है सागर से, और तुमने ले जाकर इस लिफाफे को डाकघर के डब्बे में डाल दिया। लिफाफा जाएगा, जम के बोली एड्रेस पूरा लिखा है, पीछे तुम्हारा नाम भी लिखा है, मोबाइल नंबर भी लिखा है, सब कुछ लिख दिया, पर लिफाफा जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उस पर टिकट चिपका नहीं है। 15 पैसे का, 10 पैसे का, 25 पैसे का, या 1 रुपए का, या 2 रुपए का, उस पे अगर कोई टिकट चिपका होता, फिर आप उसको डालते तो जाता कि नहीं जाता? चले जाता। ये ओम सनातन धर्म के अंतर्गत जितने भी मंत्र होते हैं, जितने ब्राह्मण मंत्र का उच्चारण करते हैं, जितने ब्राह्मण मंत्र पढ़ते हैं और मंत्र का उच्चारण करते हैं, उसमें ओम का नाद क्यों करते हैं? क्योंकि ये हमारे श्लोकों को, हमारे शब्दों को, हमारे दिल की बात को टिकट का काम कर कर परमात्मा तक पहुंचा देता है। ये ओम अक्षर, ओम शब्द, ओम नाद। वहां तक कभी कभी बेलपत्र देखना, जब बेलपत्र आप समर्पित करते हैं तो ऊपर वाली जो पत्ती होती है उस पे ओम लिखते हो, कई किसी किसी को लिखते हुए देखा होगा, चंदन से, पीले चंदन से, लाल चंदन से, सबसे मूल 3 पत्तियों में बीच वाली जो पत्ती है उस पे ओम लिख दिया, फिर इधर वाली में लिख दिया नमः, इधर वाली में लिख दिया शिवाय। कभी आपने देखा कि इधर वाली पत्ती में ओम लिखा हो, इधर में नमः लिख दिया हो, इधर में शिवाय लिख दिया? नहीं, लिखने वाला लिखेगा, क्योंकि जो विद्वान होता है, चतुर होता है, जिसमें विद्वत्ता होती है, वो सबसे ऊपर वाली पत्ती में ही ओम लिखेगा, क्योंकि उसको मालूम है ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है, और ऊपर शिव है, इन दोनों का समावेश ओम में है, इसलिए वो सबसे पहली पत्ती में ओम ही लिखता है। ना तो देवराज के प्राण छूट गए, शिव मंदिर से आया, चोरी करने वाला देवराज प्राणों को छोड़ा, एक लोटे जल की महत्वता जानकर माता, उनकी देवराज की मां जो जल चढ़ाती थी, उसका फल ये मिला कि देवराज के प्राण जहां छूटे वहां कोई दूसरा वृक्ष नहीं था, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्राण छूटे। सनातन हिंदू धर्म के अंतर्गत आज भी किसी का अंतिम संस्कार करने के लिए ले जाते हैं, अर्थी को लेकर जाते हैं, तो एक जगह पर अर्थी को रोका जाता है, उतारा जाता है, इधर उतारते कि नहीं उतारते वो हमको मालूम नहीं, पर शास्त्र रीति करती है, एक जगह अर्थी को रोक देते हैं, उतार देते हैं, अर्थी को नीचे रख देते हैं, कुछ देर के लिए अर्थी ले जाने वाले भी वहां पर बैठ जाते हैं। किसी से पूछो, कोई विद्वान से पूछना, जो गांव का पुरातन व्यक्ति हो, बुजुर्ग हो, उससे पूछो कि ये शमशान जाते समय अर्थी को बीच में क्यों रोक दिया,
इस अर्थी को यहाँ क्यों रोका गया? अर्थी रोकने का कारण क्या था? क्यों कहा यहाँ अर्थी को उतारो, यहाँ उतारा करना, अर्थी को उतारना पड़ेगा, यहाँ रखना पड़ेगा, रखने के बाद लोग चार पांच पत्थर बीनते हैं, फिर उधर फेंक देते हैं, बैठ जाते हैं, क्यों, किसकी, क्या कारण क्या है? उसको मालूम होगा तो वो जरूर बताएगा कि शिव महापुराण के अनुसार देवराज के प्राण बेलपत्री के वृक्ष के नीचे छूटे थे, इसलिए शास्त्र रीति कहती है जिस मुर्दे को लेकर जाते हैं, कोई बेलपत्री का पेड़ जो गांव में होता था उसके नीचे अर्थी को थोड़ी देर रख देते हैं तो उस जीव आत्मा को कैलाश धाम पहुंचा दिया जाता है जो उस पर बंधी। अब आज के जमाने में तो बेलपत्री का वृक्ष एक निवेदन सबसे करेंगे, मौका मिले जीवन में, अगर मौका मिले वृक्ष लगाने का तो जिस मार्ग से अर्थी निकल कर जा रही हो, शमशान जा रहे हो और बीच रास्ते में दोनों तरफ अगर मौका मिल जाए तो कहीं एक अगर बेलपत्री का वृक्ष लग जाए और उस बेलपत्री की छाया उस मुर्दे पर और अर्थी ले जाने वाले पर पड़ जाए तो वो स्वयं ही शिव के धाम पहुंच जाते हैं। उसको पहुंचाने की जरूरत कभी मौका नहीं। जहां देव स्थान हो, जहां देवताओं के स्थान हो, शिव के मंदिर बन रहे हो, शंकर मंदिर का विस्तार हो रहा हो, कहीं भगवान देवता विराजमान हो रहे हो, तो मेरा वहां पर वहां के ट्रस्टी हो, वहां के समिति वाले उनसे निवेदन है कि आपके बगीचे में बेलपत्री के जितने ज्यादा से ज्यादा वृक्ष होंगे वो जीव का कल्याण करने वाले, सुख देने वाले। अभी केसरवानी जी हमको कल जब लेकर आ रहे थे सीहोर से, हम जब यहाँ आ रहे थे तो एक भाई कथा लेने के लिए आए हुए थे नीमच के, तो केसरवानी जी भी वहां पर बैठे हुए थे, तो हमने उनसे पूछा कि भाई आपने कथा ली है और कथा तो अभी मिली नहीं आपको 2022 में, 23 में भी नहीं मिली, आपने 24 में ली है, तो 24 में कथा ली, इसको लेने का कारण क्या था? तो उन्होंने कहा बस एक ही कारण से कथा ली, शरीर में रोग हो गया था, उस रोग को सही करने में लाखों रुपए लग रहे थे, पर मेरी माता जी ने कहा कि शिव जी पे चढ़ा हुआ जल का प्रयोग करना प्रारंभ कर दे, और मैंने वो प्रयोग करना प्रारंभ करा, बाबा ने मेरा शरीर ठीक कर दिया, तो अब बस यही करना है कि एक बार देवाधिदेव महादेव की कथा कर, शरीर ठीक हो गया ना। हमने उनसे एक ही बात की, शरीर तुम्हारा ठीक हुआ है पर एक काम जरूर करना, जीवन में एक बेलपत्री का वृक्ष जरूर लगा, प्रयास करो। हम शिव की आराधना करें, देवराज के प्राण छूटे तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे छूटे, और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जब देवराज के प्राण छूट जाते हैं, भगवान शंकर के गण देवराज को लेने के लिए आते हैं, सामने खड़े यमदूत भी सम्मुख में खड़े हुए थे, यमदूतों ने देखा शिव के गण, यमदूतों ने कहा इसने पाप करा, चोरी करी, गलत काम करा, झूठ बोला, प्रपंच करा, बेईमानी करी, इसको तो नरक जाना पड़ेगा, इसको हम नरक लेकर जाएंगे, पर नहीं, शंकर के गण बोले हमारे सामने हो तुम नरक ले जाओ, तो इसने पुण्य करा क्या है? शंकर भगवान के गण बोले इसने कोई पुण्य नहीं करा, केवल एक पुण्य करा कि प्राण छोड़े तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे छोड़े, बस एक पुण्य। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे
भजन कीर्तन स्मरण मंत्र जाप नाम जाप। मेरी माताएं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करती हैं। कई माताएं पूछती हैं क्या हम इस मंत्र को एक जगह बैठकर नहीं कर पाए, तो कौन ने कहा कि तुम बैठकर करो। तुम तो चलते फिरते स्मरण करते जो काम करते करते भी अगर आप जप रहे हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तो ये निश्चित है आप रोटी बनाते बनाते काम करते करते आपके मन में आ गया कि मेरा बेटे को ये तकलीफ आ गई है, मेरे परिवार में ये तकलीफ आ गई है। आप उस तकलीफ का स्मरण करो और शंकर भगवान से विनती करो, हे भोलेनाथ एक लोटा जल में रोज चढ़ाती हूँ, भले मैं घर में काम कर रही हूँ पर मेरा मंत्र स्वीकार करना। मैंने सुना है तेरे मंत्र में वो बल है कि संसार का मनुष्य उसको जपता है और तर जाता है। मेरा भी एक छोटा सा काम है, हे बाबा उसको आप पूर्ण करो। काम करते रहो मंत्र जपते रहो, घट की जिज्ञासा से जब मंत्र जपा जाता है तो वो घट घट का वासी उसको स्वीकार कर ही लेता है। हम ये नहीं कहते कि तुम अपना काम छोड़ दो, अपना घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, नाते रिश्ते छोड़ दो, कुटुंब कबीला छोड़ दो, मंदिर में जाकर बैठ जाओ। हम ये भी नहीं कहते कि घंटों तक मंदिर के अंदर बैठना। हमारा तो इतना सा कहना है एक क्षण के लिए जाना पर देवाधिदेव महादेव के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उसके स्मरण कर। महाराज देवराज के प्राण गए। आगे वर्णन आया चंचुला देवी ने बिंदु के लिए शुमहापुराण की कथा को श्रवण करा। भगवान देव अधिदेव महादेव ईश्वर जी गोरा जी बनकर गणा और गोर बनकर शिव महापुराण की कथा के यजमान बनकर शिव पुराण को सुनने के लिए तुमरुका जी के पास जाते हैं और तुमरुका जी उनको ओम अक्षर के महत्व का व्याख्यान वर्णन करते हैं। भगवान शिव और पार्वती आए हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। ईश्वर जी और गोरा जी हमारे बीच में पधारे। भगवान शंकर ईश्वर जी और गोरा जी बनकर गणा और गोर बनकर शिव महापुराण की यजमान बनकर कथा को सुनने के लिए गए हैं। आनंद के साथ कल की कथा में पहुंचेंगे ओम अक्षर के जन्म की कथा। आनंद के साथ आप सभी आनंद के साथ प्रेम के साथ में सागर की इस पावन भूमि पर पटकुई में शिव महापुराण की कथा का रसत्व ग्रहण कर रहे हैं। आस्था चैनल और फेसबुक यूट्यूब पर जितने भी लोग कथा सुन रहे हैं सभी को साधुवाद करते हुए, जिनके शरीर में चमड़ी सफेद पड़ जाती है या शरीर पर कहीं दाग हो जाते हैं उसको ओम अक्षर का नाद करते हुए क्या चीज शंकर भगवान को चढ़ाई जाए कि चर्म रोग या शरीर में जो खाज हो जाती है, पपड़ी निकलने लगती है, सोरायसिस जैसी बीमारी हो जाती है उसमें या अपने शरीर में कहीं कहीं रोग उत्पन्न हो जाता है तो उससे मुक्ति के लिए शिव का ओम अक्षर का नाद कर शिव को क्या चढ़ाया जाए और किस जगह चढ़ाया जाए जिससे शरीर का ये रोग मिट जाए उसका स्मरण कल की कथा में लेंगे। हर हर महादेव। यजमान परिवार से निवेदन रहेगा ईश्वर जी और गोरा जी का पूजन करने के लिए पधारे यजमान। और कुछ सूचनाएं आशीष। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव। सदा जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 7 दिवसीय सुंदर श्री शिव महापुराण की अलौकिक सुंदर कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रवण कर रहे हैं। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय जिनके पत्र आज के पढ़ने के जिनके पत्र रह गए हैं इनको कल के उसमें पढ़ेंगे। जो पढ़ लिए हैं वो इधर की ओर और जो ना पढ़े हैं वो इधर की ओर रहेंगे। आप लोगों के पत्र निश्चितता में जहाँ जहाँ जैसा समय मिलेगा पढ़े जाएंगे। हर हर विश्व विख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर प्रथम दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। इसी क्रम में जिन दानदाताओं ने जिन भामाशाहों ने मंदिर गौशाला वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र में अपनी सहयोग राशि प्रदान करी उन सभी पवन सारी पुण्य सारी दानदाताओं के नाम श्री गोपाल जी छपरवाल उदयपुर राजस्थान से सुंदर 501 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। टीकाराम जी अनाराम जी चेता गुरु की तरफ से बालाघाट मध्य प्रदेश से सुंदर 21,000 रुपए की सहयोग राशि देकर आजीवन भोजन मंडल की सदस्यता ग्रहण करी। सुनहरे अक्षर में अपना नामांकित कराया बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की।
शिव सिंह जी रावत उत्तराखंड से सुंदर 1111 रुपए की सगरा से आपने समर्पित की। मोनिका जी ब्याज सुबह सारा से सुंदर 501 रुपए की सगरा से समर्पित की। श्री जीत जी जोशी खरगोन मध्य प्रदेश से सुंदर 501 रुपए। मंजू जी खंडेलवाल भरतपुर राजस्थान से सुंदर 501 रुपए। सुधीर जी यादव उत्तराखंड से सुंदर 1101 रुपए। प्रेमल लक्ष्मण जी पाटिल की तरफ से बुरहानपुर से सुंदर 501 रुपए की सगरा से समर्पित की। अनन्या अराना जी चौधरी देवास मध्य प्रदेश से सुंदर 2101 रुपए। शिव नारायण जी मालवीय हरदा मध्य प्रदेश से सुंदर 501 रुपए। सुनीता संतोष जी यादव से गांव महाराष्ट्र से सुंदर 501 रुपए की सगरा से समर्पित की। दीपक कुमार जी कंसपुर से सुंदर आपने 1101 रुपए की सगरा से समर्पित की। अर्चना कुमार जी बिहार से सुंदर 501 रुपए। राधा देवी शर्मा की तरफ से उड़ीसा से सुंदर 1111 रुपए की सगरा से समर्पित की। भगवत सोनाबाई जी देवांगन जांजगीर छत्तीसगढ़ से सुंदर 501 रुपए। नरेंद्र कुमार जी सुशीला जी भारद्वाज गंगटोक से सुंदर आपने 501 रुपए की सगरा से समर्पित की। सरस्वती देवी बेगूसराय बिहार से सुंदर 1001 रुपए की सगरा से आपने समर्पित की। गणेश जी शर्मा की तरफ से हैदराबाद से सुंदर 501 रुपए की सगरा से समर्पित की। अनिता विजय सिंह जी मथुरा उत्तर प्रदेश से सुंदर 551 रुपए की सगरा से समर्पित की। आशा देवी हल्द्वानी उत्तराखंड से सुंदर 1101 रुपए। प्रेम कुमार जी चौधरी वेस्ट बंगाल से सुंदर 751 रुपए। राजकुमारी जी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सुंदर 2501 रुपए की सगरा से समर्पित की। लांबा परिवार गुरुग्राम हरियाणा से सुंदर 501 रुपए। स्वर्गीय महेश जी चौधरी की स्मृति में इटारसी मध्य प्रदेश से 1101 रुपए। सुरेखा जी ढोमबारे की तरफ से सुंदर 501 रुपए की सगरा से समर्पित की। कनिका देवी चने राम जी जसोल राजस्थान से सुंदर 501 रुपए की सगरा से समर्पित की। रेणु जी मिश्रा कानपुर उत्तर प्रदेश से सुंदर 5100 रुपए की सगरा से अपने बाबा कुमरेश्वर धाम में समर्पित की। बहुत बहुत बधाई सुंदर विचार आपके सुंदर सगरा से आपने समर्पित की। अनीता जी शर्मा कोटा राजस्थान से सुंदर 501 रुपए की सगरा से आपने समर्पित की। चंद्रकांता जी चंद्रकांत जी पंचोली की तरफ से रतलाम मध्य प्रदेश से सुंदर 501 रुपए। स्वर्गीय कोकिल अभिमन्यु जी बोरसे की तरफ से बुरहानपुर से सुंदर 501 रुपए। सुनील कुमार जी रावत भोपाल मध्य प्रदेश से 501 रुपए। दिलीप जी ब्यास इंदौर मध्य प्रदेश से 501 रुपए। विकास जी अग्रवाल कोटा राजस्थान से 501 रुपए। स्वर्गीय सुशीला जी अफट की स्मृति में छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से 1101 रुपए की सगरा से अपने समर्पित की। दीपक जी बंदवार मंदसौर मध्य प्रदेश से सुंदर 521 रुपए की सगरा से समर्पित की। जयवर्धन जी बिजौलिया राजस्थान से सुंदर 501 रुपए। ओम प्रकाश जी चौधरी हरदा मध्य प्रदेश से 501 रुपए। जितेंद्र चंद जी गुप्ता की तरफ से इटावा प्रदेश से सुंदर 501 रुपए की सगरा से समर्पित की। हेमंत रामकृष्ण जी गुप्ता खरगोन मध्य प्रदेश से सुंदर 501 रुपए। राधिका गोपाल जी की तरफ से सुंदर 501 रुपए। कन्हैयालाल जी महेश्वरी जयपुर राजस्थान से सुंदर 501 रुपए। शकुंतला जी संपाल की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से सुंदर 501 रुपए। अलका जी कंबोज नैनीताल उत्तराखंड से सुंदर 501 रुपए। डॉक्टर कैलाश चंद जी भगपति जी भट्ट फरीदाबाद हरियाणा सुंदर 551 रुपए। मोहिनी जी सगोरिया होशंगाबाद मध्य प्रदेश से 1101 रुपए। गुड़िया सिंह जी पटना बिहार से सुंदर 501 रुपए। नथुन प्रसाद जी दिल्ली से सुंदर 501 रुपए। शिव कुमार जी दिल्ली से सुंदर 1111 रुपए की सगरा से समर्पित की। रामकन्या जी सवेलिया इंदौर मध्य प्रदेश से सुंदर 1101 रुपए। धीरज कुमार जी शुक्ला उत्तर प्रदेश से सुंदर 501 रुपए की सगरा से आपने समर्पित की। ओम प्रकाश जी गुप्ता रमा जी गुप्ता ग्वालियर मध्य प्रदेश से 501 रुपए। पंपी धर्मेंद्र कुमार जी जसपाल बस्ती बिहार उत्तर प्रदेश से सुंदर आपने 1101 रुपए की सगरा से समर्पित की। आशा जी चतुर्वेदी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से 501 रुपए। वेदकाश मनीष जी पांडे मध्य प्रदेश से सुंदर 501 रुपए। राजा राम जी चौधरी छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से 501 रुपए। दुर्गा चरण जी यादव वेस्ट बंगाल से सुंदर 1111 रुपए की सगरा से समर्पित की। पालीवाल परिवार गुरिया से सुंदर 501 रुपए। कांताबाई जी देवांगन रायपुर छत्तीसगढ़ से सुंदर 21000 रुपए की सगरा से देकर आजीवन भोजन मंडल की सदस्यता ग्रहण करी। सुनील अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई सुंदर विचार आपके सुंदर सगरा से समर्पित की। अरुण जी देवांगन की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से 1101 रुपए। प्रेम कुमार जी साल कोलकाता से सुंदर 501 रुपए की सगरा से समर्पित की। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की आनंद गहराई से नमन करता हूँ, दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सुंदर सगरा से आपने समर्पित की। जो भक्त अपनी सगरा से मंदिर गौशाला वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र में समर्पित करना चाहते हैं वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठले सेवा समिति का जो अकाउंट नंबर चल रहा है उसमें अपनी सगरा से जमा कर आप व्हाट्सएप पर अपना नाम भेज सकते हैं। जो भक्त सागर मध्य प्रदेश में अपनी सगरा से जमा करना चाहते हैं वे बाहर की ओर श्री विठले सेवा समिति का जो कार्यालय बना हुआ है उस कार्यालय में अपनी सगरा से जमा कर रसीद प्राप्त कर सकते हैं। आइए सीधे आरती में चलते हैं। आरती का आनंद हम सभी लेंगे। जय जय श्री राधे हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्ते। जय शिव ओंकारा भोले भजे शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव भोले भोलेनाथ महाशिव हरदा के दारा चतुरानन पहचानन राजे भोले पहचानन राजे
सिंहासन गरुड़ासन सिंहासन गरुड़ासन वृष वाहन साजे ओ हर 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 महादेव दो भुज चार चतुर भुज दस बुद्ध अति सोहे तीनों रूप निरखता रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओ हर 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 महादेव अक्ष माला बन माला मुंडे माला धारे भोले मुंडे माला धारी त्रिपुरारी कलसारी त्रिपुरारी कलसारी कर माला धारी ओ हर 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 महादेव श्वेताम्बर पीताम्बर बाण बने आगे ओ भोले बाला बने आगे सनकादिक गरुड़ादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक सके ओ हर 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 महादेव हर के माथ कमंडल चक्रति सुने धरता ओ भोले चक्रति सुने धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओ हर 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 महा सनातन धर्म संस्कृति एवं संस्कारों के संवर्धन व संरक्षण में प्राण प्रण से संकल्पित सीहोर के संत अंतर्राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता भागवत भूषण परम पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा दशकों से हिंदू समाज के युवक युवतियों को धर्म जागरण से जोड़ने के साथ आपदा के समय पीड़ित मानवता की सेवा एवं वृक्षारोपण के द्वारा प्रकृति रूपी पर्यावरण के अभिवृद्धि व रक्षण में अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। परम पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के पावन सानिध्य में भारत के कोने कोने से संपन्न हो रहे श्री शिव महापुराण कथा में कथा स्थल पर हजारों हजारों की संख्या में श्रद्धालुजन कथा का श्रवण तो करते ही हैं। पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के YouTube चैनल पर